बाय बाय विद नॉट ऑल ट्रैक्स देखना जाके मेरठ, जबलपुर, कोटा, जम्मू तवी, चंडीगढ़ जैसी कई और भी कई जगह हैं। इधर आ रहा है तो दोस्तों लाइन कटती है हरिद्वार के लिए और जिस जिस मतलब टिकट ट्रेन बदल सकते हो बगैर टिकट डाले इधर क्या है। लक्सर जंक्शन यहाँ 3 मिनट का स्टॉप है, देखते हैं कितनी देर रुकती है। फिलहाल हमारी ट्रेन 2.5 घंटे लेट थी, लेकिन भाई उसने जो कवर मारा है ना गजरौला के बाद, भाई साहब अब 1 घंटा लेट है। मुझे लग रहा है कि ये आधा पौन घंटा ही लेट पहुँचेगी, क्योंकि इसको टाइम स्लॉट दे रखा है, क्योंकि पहले ये ट्रेन चलती थी 45-40, उसके लेट होना स्वाभाविक था। इस चक्कर में कवर मार रही है। तो गाइस ट्रेन हमारी निकल रही है लक्सर जंक्शन से, ये चिप में जा रही है। कहाँ जा रही है? चिप में। ये कौन सी चिप है? सुनो तो वो निकाल के रखो, मोबाइल लग रहा कुछ नहीं कर पाओगे वीडियो में। अरे तो कौन क्या ये खाना यहाँ ले लो ले लो। दोस्तों में हम कुछ देर में पहुँचने वाले रोड की स्टेशन कोड आर के, उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है और आता है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 6 ट्रैक्स हैं और डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन है। मैं दूर से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चोर रोड की चुके हैं। रोड की स्टेशन कोड आर के 6 लाइनें हैं यहाँ पे और 3 प्लेटफॉर्म है। उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का शहर है रुड़की, जिसका रेलवे स्टेशन है। डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन है ये एंड ये है 288 समथिंग अबव द सी लेवल ये रेलवे स्टेशन। और अब थकान होने लगी है, ऊपर से ये ट्रेन कवर कर रही है। सुबह जब हम चले थे तो अब 2.5-3 घंटे के करीब लेट थी, अब 1.5 घंटे के करीब लेट है। यानी कि ट्रेन की एवरेज जिस हिसाब से लगती है उस हिसाब से अच्छी है। तो ट्रेन आ रही है, ये है समुद्र सेल्सियस 268.80 अबव द सी लेवल मीटर। यहाँ से समुद्र
यहाँ पे पीछे यहाँ मेरा जो गंदा रिश्ते, लेकिन आप काम चलाओ, यहाँ पानी अवेलेबल है, अच्छी बात है, क्योंकि बंदा गंदा नहीं रहता नहीं है, सोप इज अवेलेबल। नीचे मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर आपको गलती हो। और ये है निकाल लेता। ओवरऑल बाथरूम का कंडीशन अच्छा है, मतलब अच्छा है, थर्ड एसी लाइक है, लेकिन सफाई नहीं है, थोड़ी कम है सफाई। इन फ्यू मिनट्स कर्व अच्छा है सामने। और यहाँ खड़ा है बैग 12, जर्मनी की मदद से बनवाया था। ना ना इधर नहीं है, इधर ही है, इधर ही है। हाँ, सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में। वहाँ दोबारा वापसी, सहारनपुर जंक्शन स्टेशन कोड SR1, 10 ट्रैक्स हैं और 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की डिवीज़न है अंबाला में, एंड ये डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। तो मिलते हैं आगे बने रहिए साथ इसके डिपार्चर में। ही देखते हैं डिपार्चर, बड़ी चीज़ की यहाँ पे ढका हुआ है, और वो भी 3 से नहीं, लिंटर डाल लगे हैं। और दूसरा है तुगलकाबाद का WAP 4। वो सामने दोस्तों नया पुल। सब्सक्राइब टू ब्लॉगर आर, मुझे मिली है वो विकिपीडिया, ये कह रही है कि ये हरियाणा का रेलवे स्टेशन है जो आता है मुरादाबाद अंबाला लाइन पे, और ये लोकेटेड है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ट्रेन यमुनानगर से डिपार्ट कर चुकी है, यमुनानगर जगाधरी, और इसके बाद आएगा जगाधरी वर्कशॉप। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है, और यहाँ पे है 3 प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखने पड़ेंगे, बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है गाइज यहाँ का। मत करना, मतलब गाइज ये लोगों का काम है हेड फैलाना। जगाधरी वर्कशॉप 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और ये भी मुरादाबाद होने का फ़ायदा ये है कि जनरल कोचेज में होगी भीड़, तो जनरल वाले स्लीपर में नहीं चढ़, वो एसी में नहीं चढ़ रहे हैं, वरना बिहार में होते तब तक ये स्लीपर, ये थर्ड एसी भी जनरल वाले मज़े देता। जनरल वाले स्किपिंग लाइन है ट्रेनों के क्रॉसिंग देने के लिए, कि प्लेटफॉर्म यूज ना करना पड़े, मे भी ऐसे ही हो, लेकिन 1 घंटे लेट है। स्वच्छ भारत अभियान, सो गाइस कोच में चलते हैं और अब आपको मिलेंगे अंबाला में। अंबाला 4 किलोमीटर है सामने का। आगे मैंने देखा रेड सिग्नल हो रहा है, यहाँ पे हॉल्ट दे दिया है। रुकेगी ट्रेन क्योंकि रेड सिग्नल मार दिया, मतलब क्रॉस हो गया है, नहीं भी मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हुआ नहीं, रुक गई गाड़ी। रेड सिग्नल था, गाड़ी रुक गई है। अंबाला आउटर बजट चलेगी तब दोबारा बाहर अंदर बाहर आ। अंबाला आउटर पे, जो अंबाला जंक्शन पे मेन लाइन पे बढ़िया स्पीड से एंट्री मारी है।
प्लांट है, इंडियन ऑयल का प्लांट है। आगे फिर रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया इस ट्रेन ने। और हम अभी हैं पौन घंटा लेट वो आ रहे मेरी तरफ। क्या कर रहे भाई साहब, कितना घूम रही है। और यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है और हम आए हैं किसी प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पालकेंट जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है UMB। 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और 10 ट्रैक्स हैं। यहाँ से जो लाइनें कटती हैं वो जाती हैं अंबाला दिल्ली लाइन, अंबाला भटिंडा लाइन, अंबाला अटारी लाइन जो अभी पाकिस्तान में है, और अंबाला ऊना हिमाचल। ये डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन पे है जो है मुरादाबाद अंबाला लाइन। और एक और लाइन है इसमें मुरादाबाद अंबाला लाइन जो मैंने अभी बोला, और ये बना था 1891 में। तो मिलते आगे बने रहिए साथ डिपार्चर में। टाइम हो गया ऐसे चलने का और सिग्नल भी हुआ है, येलो वाला हुआ है, ग्रीन में नहीं हुआ है। चाय वाले उतरते हैं फिर हम भी चढ़े। डिपार्टिंग फ्रॉम अंबाला कैंट जंक्शन के 2 नंबर से। बैग 12B। अभी ट्रैक चेंज होगा। दोस्तों लल्लू यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल होने के कारण ट्रेन रुकी हुई है। और एक बस से सीन दिखाता हूँ, जनरल टिकट वाले को क्या बुरी दशा हुई कि उन्हें ट्रैक पे बैठना पड़ रहा है। यह है जनरल टिकट वाले, स्लीपर वाले नहीं है। तो गाइस हॉर्न हो चुका है यहाँ से निकलने का लल्लू। तू खो गया मेरा हम सफर, ललरू से अनशेड्यूल्ड हॉल्ट। तो उसे गाइस मुझे पता नहीं ऐसे पेंट क्यों होता है। मेरे बाल मत देखना क्योंकि बाल मेरे सफ़र में ऐसे हो गए हैं, बार बार खड़े करके मैं परेशान हो गया हूँ। यहाँ कुछ ट्रैक पे लोग बैठे हैं। फिलहाल इस ट्रेन के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अच्छा है। मुझे लग रहा था कि 5 बजे पहुँचेंगे लेकिन 4 बजे पहुँचा रही है। ट्रेन कवर कर रही है और अच्छे से, और पर्यंत एवेंट ओन को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ कुछ महान व्यक्ति लोग बैठे हैं और हम पास कर रहे हैं और एक अंडरपास। तो इंटीरियर दिखा देते हैं। सोच में आएंगे तो आपको साइड लोअर बर्थ में ये एक पॉकेट मिलेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए, एसी विंड, एक चार्जर और एक लाइट वगैरह के लिए और सीट्स। ऊपर आपको कुछ ही देखने को नहीं मिलेगा सिवाय एक बॉटल होल्डर के और कुछ कपड़े पर टांगने हो उसका। हैंडल मिलेगा आपको चढ़ने के लिए, इधर भी एक बॉटल होल्डर, 3 सीट्स इधर, 3x3 का अरेंजमेंट है। और ये एक सीढ़ी है जिससे आप चढ़ सकते हो ऊपर। यहाँ पे आपको एक मिरर देखने को मिलेगा, देन आपको यहाँ पे सीट्स और यहाँ पे आपके जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो रखे हुए मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह है। देन अब जो है यहाँ से आप चैन खींच सकते हैं, लेकिन मैं खींचूँगा नहीं क्योंकि जुर्माना नहीं भरना है। और इसमें आप इसमें ये है पॉकेट, बॉटल होल्डर और ये है एसी विंड। इसे बंद करें तो ढीला नहीं हो रहा, ढीला है। और यहाँ पे सीट नंबर 2 तरीके से लिखे हैं, 61, 61, 62, 62। और जब आप कोच के एंटर करेंगे तब आपको ऐसी सीढ़ी मिलेगी, लेकिन बाकी पूरे कोच में आपको इस तरीके की सीढ़ी मिलेगी। कैसा रहा इस ट्रेन में आपको ये ट्रेन, पंचुअलिटी का मतलब टाइम टेबल कैसा लगा इसका? अच्छा सही है। और इसकी यात्रा आपको मतलब पैसा वसूल लगी कि बर्बाद? वसूल है। टॉयलेट्स वगैरह के और रात को एसी का कुछ क्या था, कुछ सब सही था?
सबसे ज्यादा। अच्छा चलिए, इनका ओपिनियन तो अच्छा है, फिर किसी और से पूछेंगे। चंडीगढ़ जंक्शन आने वाला है तो मैं आपको शायद वहाँ पर ना मिल पाऊँ, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि चंडीगढ़ जंक्शन पे 6 प्लेटफॉर्म है, 8 ट्रैक्स हैं। नॉर्दर्न रेलवे की डिवीज़न अम्बाला में आता है एंड ये वो ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये स्टेशन बना था 1891 में, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, करेक्ट नहीं होगा मैं। और इस स्टेशन का कोड है CDG, चंडीगढ़ जंक्शन। तो अगर ना मिलते तो काफ़ी है, और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे उधर की, आप दे दी बाय मिल रहा पता चल रहा है। ये खड़ा रायपुरम का डेस्टिनेशन चंडीगढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड CDG, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है तो अब दोबारा नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सी यू सून, टिल एंड पीस, बाय।